जय श्री राम बच्चों, मेरा नाम है सुधीर सिंह और मैं आप सभी का इस वंडरफुल से चैनल सुधीर ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज एक और चैप्टर का इन शॉर्ट लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। आज हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट करने वाले हैं। इस वन शॉट में हम लोग जो है जो भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं, पहले तो सारे जो कंसेप्ट है उसको हम रिवाइज करेंगे, एक एक चीज़ जो है हमने अच्छे से समझनी है। उसके बाद हमने जो है PYQ करने हैं इस केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के। ये जो चैप्टर है ये 7 मार्क्स की वेटेज रखता है इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में। इसको अच्छे से करेंगे। आई होप दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा, आपको अच्छे से सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। स्टिल कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप लिख सकते हैं तो मैं कर दूंगा। सबसे ज़्यादा जो जरूरी है कि आप लोग सही से इस टाइम पर पढ़ें। आज केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक मिनट, मैं पहले स्क्रीन छोटी कर देता हूँ आपके सामने ताकि केमिकल काइनेटिक्स आ सके। हाँ जी, तो होप कि आपकी स्क्रीन पे केमिकल काइनेटिक्स आ चुका है। उससे पहले थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। एक सेकेंड। हाँ जी, अभी सही है। आई थिंक कितना देखना चाहेंगे आप मुझे, कितना देखना है देख लो, ठीक है। हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पे केमिकल काइनेटिक्स आ चुका है। और एक मिनट और दीजिए मुझे ज़रा, ये अभी मैं सही नहीं हूँ, थोड़ा और छोटा यहाँ साइड में रहूँगा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्बेंस होगी, राइट। या इसको और छोटा करते हैं। थिंक इतना सही रहेगा, राइट। चलिए, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। आपकी स्क्रीन पे है केमिकल काइनेटिक्स। पेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, आपकी स्क्रीन पे है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन में हम पढ़ेंगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, और उसके अलावा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ठीक है। उसमें क्या है, केमिकल काइनेटिक्स की क्या जरूरत है उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आपको एक ग्राफ सा दिख रहा होगा, देखिए, तो ये ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फैक्टर कौन कौन से हैं जो केमिकल काइनेटिक्स को अफेक्ट करते हैं, केमिकल काइनेटिक होता क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं। बेसिकली केमिकल काइनेटिक जो है ना एक ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस के स्पीड के बारे में, यानी कि उसकी स्पीड के बारे में, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, किस रेट से हो रही है, ठीक है, वो सब पढ़ते होते हैं। उसके बाद केमिकल काइनेटिक में हम पढ़ेंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। आफ्टर दैट वी विल स्टडी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंडर ये जो इंटीग्रेटेड है ना, ये 3 टाइप्स का होता है, एक जीरो ऑर्डर का, एक फर्स्ट ऑर्डर का, एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। हाँ जी, अभी अपने पास है, एक सेकेंड, आप लोग की स्क्रीन चेक कर लो एक बार, सही आ रहा है, आई थिंक सो सही है, राइट। एक मिनट दीजिए मुझे। अभी नहीं सही है, एक मिनट बस, एक मिनट और, एक मिनट है, थोड़ा सा और साइज इंक्रीज करना पड़ेगा। अभी आ गया, शायद फिट हो गया क्या स्क्रीन पे। हाँ जी, थोड़ा सा और, इसका थोड़ा साइज और बढ़ाएंगे, अब शायद हो गया होगा। हाँ जी, तो हाँ जी, अभी देखिए केमिकल काइनेटिक आपकी स्क्रीन पे है, राइट। देखिए केमिकल काइनेटिक्स है ना, तो फॉर ए रिएक्शन, यहाँ पे देखिए फॉर ए रिएक्शन आर क्या है यहाँ पे, रेट रिएक्टेंट है। देखिए रिएक्शन होती क्या है, देखिए एक साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं और दूसरी साइड में क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है जब ये रिएक्शन होती है, राइट। तो इसको हम लोग रिएक्शन बोल देते हैं। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन जो है हमारे बनते हैं, एक रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो थर्मोडायनेमिक इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिएक्शन जो है फिजिबल होगी अगर डेल्टा जी जो है लेस देन जीरो होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बनता है, टू विच एक्सटेंट रिएक्शन विल हैपन, मतलब कब तक रिएक्शन होगी, इसमें हम पढ़ते हैं क्या, केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। तो केमिकल काइनेटिक में पढ़ते हैं हम ये, ठीक है, कि स्पीड क्या होगी केमिकल रिएक्शन की, उसको हम किस में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। और इसमें कंसेप्ट होता है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का। हाँ जी, सो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए सबसे पहले मैं बताऊं आपको रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में देखिए आप लोग क्या करते हैं, बाइक चलाते हैं, राइट, बाइक जब चलाते हैं ना तो आप कांस्टेंट स्पीड से तो चलाते नहीं है उसको, कभी कम कभी ज्यादा, राइट। तो उसी तरह से जो रिएक्शन है वो किस स्पीड से होगी, ठीक है, यानी कि लाइक रिएक्ट करके कितनी देर में हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो सब जो होता है रेट होता है रिएक्शन का, या इसको वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। वन मार्क में पूछा हुआ है, ठीक है, ये देखिए 2010 में 15 में पूछा गया ये कि रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन विद टाइम इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। दोबारा समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए एक अपने पास बीकर है, ठीक है, इस बीकर में कुछ ले लेते हैं कोई भी चीज, ठीक है, कोई एक सॉल्यूशन ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन है, मान लीजिए हमने 2 लीटर लिया था, ठीक है, 2 लीटर मान लीजिए क्या ले लिया हमने, एसिड ले लिया, इतना ज्यादा तो ऐसे होना नहीं चाहिए, चलिए 2 लीटर हमने एसिड ले लिया। तो ये जो 2 लीटर एसिड है कितनी देर में आधा हो जाएगा, अगर इसको हम रिएक्ट करवाते हैं कुछ भी ऐसा करवाते हैं, तो कितनी देर में ये 2 लीटर से 1 लीटर हो जाएगा, वो जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा फेक सा लिया है बट दिस इज द रियलिटी। मान लीजिए चलिए या फिर लेते हैं 200 ग्राम हम ले लेते हैं, 200 ग्राम एसिड ले लेते हैं, तो ये जो 200 ग्राम एसिड है 50 ग्राम कब होगा, उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो फॉर ए रिएक्शन आर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसके लिए जो हम रेट निकालेंगे वो रेट क्या होगा, यहाँ पे देखिए रेट, इसको रब कर देते हैं, एक सेकेंड रुकिए, देखिए अपने पास है क्या, अभी मैंने कहा कि रेट हम कैसे लिखते हैं, तो रेट जो होता है वो होता है क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रेट होता है किसी रिएक्शन का, मतलब कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया और ओवर टाइम में कितना चेंज आया। मान लीजिए जब हमने किसी चीज को रिएक्ट करवाना शुरू करा, ठीक है, उस टाइम को नोट किया जाएगा, और लास्ट में यानी कि मान लीजिए 5 मिनट के लिए रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तो 5 मिनट बाद कितनी कंसंट्रेशन बची वो चीज, ठीक है। अब इसका रेट को अगर हम लिखना चाहें तो देखिए मान लीजिए हमने पास ये एक कोई बीकर है, इसमें हमने लिया था क्या 200 ml क्या लिया, एसिड लिया, ठीक है, ये कितनी देर में 200 ml एसिड जो है, कितनी देर में, मान लीजिए 5 मिनट में जो एसिड है ना ये कितना हो जाता है, 5 मिनट में मान लीजिए ये 100 ml हो जाता है, ठीक है। तो इसे 100 ml देखिए अब यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आई, 200 से कितना हो गया 100 हो गया, तो इसको यहाँ लिखेंगे ओवर, देखिए टाइम कितना लगा, मैंने कहा था 15 मिनट लगा, तो ये जो टाइम है हमेशा सेकंड में लेना है, तो 15 मिनट है ना, तो उसको सेकंड में बदलोगे कितना हो जाएगा, 15 × 6 कर लीजिए जितना आएगा, ये लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ 15 × 60, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है जी। आज 7 मार्क्स जो है हम लोग पक्के करके जाएंगे, ठीक है, बोर्ड्स के लिए 101% आज आपके 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू वगैरह अगर कंसेप्ट अच्छे समझ लोगे तो मार्क्स ऑब्वियसली बात है कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है जी। सो आगे देखिए, आगे है हमारे पास यूनिट क्या होगा, यूनिट की बात करें, ठीक है। तो यूनिट जो होगा, देखिए यूनिट हमने क्या लिखा, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन किसमें होती है, मोल पर लीटर होती है, राइट, तो कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होती है। उसके बाद है क्या, कंसंट्रेशन जो होती है वो होती है मोल पर लीटर, थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, हाँ जी,
कंसेंट्रेशन होती है मोल पर लीटर पे, राइट। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मोल पर लीटर, और टाइम होता है सेकंड में, तो सेकंड हो गया। तो इसकी क्या हो गई, इसको हम लोग मोल पर लीटर को हम लोग एटीएम भी लिख सकते हैं, एटमोस्फेरिक, ठीक है, और टाइम का टाइम रहेगा। तो इसलिए जो यूनिट होगा रेट ऑफ रिएक्शन का होगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा, ठीक है जी। आगे है अपने पास, एक सेकेंड इसको रब कर ली। नाउ वी हैव एक सेकेंड यार, ये स्टाइलस को क्या हो गया। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ रेट, रेट के टाइप क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये भी देखिए सीबीएसई 2010 में कंपार्टमेंट में 2 मार्क में पूछा गया था। तो देखिए दो तरह के रेट होती हैं, एक होती है एवरेज रेट, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट, राइट। तो यहाँ पे जो रेट है वो दो तरह की है, कौन कौन सी, एक है इंस्टेंटेनियस रेट, एक है एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट जो होगा टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टोटल टाइम टेकन, ये होता है क्या एवरेज रेट, राइट। और इसको कैसे लिखोगे, रेट जो होगा देखिए हमेशा याद रखना जो प्रोडक्ट साइड होगा वो हमेशा घटता है, राइट, सॉरी रिएक्टेंट साइड होगा वो हमेशा डिक्रीज होता है, इसलिए हम इसको हमेशा माइनस में लेते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इंक्रीज होता है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एवरेज रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी कि C2 - C1, ओके, ओवर डेल्टा टी यानी कि चेंज इन टाइम, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट यानी कि इसको लिख सकते हो डेल्टा सी ओवर डेल्टा टी, राइट। आगे है अपने पास देखिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब रिएक्ट करेंगे तो टाइम T1 में मान लीजिए अपने पास क्या है, C1 है किस चीज की कंसंट्रेशन, टाइम T2 पे क्या है, C2 है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखेंगे हम। आगे है इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट में क्या है, जरा पहले एक मिनट इसका ना ग्राफ भी समझेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ग्राफ कैसे क्या है ये समझते हैं जरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, ठीक है, जेई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए मान लीजिए इधर ये साइड जो है हमारी चेंज ऑफ कंसंट्रेशन दिखा रही है और यहाँ पे जो हमारा टाइम है, मान लीजिए T1 में जो कोई कंसंट्रेशन इतनी थी, T2 में जो है इतनी थी, ठीक है, और ये T1 पे इतनी है और T2 पे इतनी है, राइट। तो T1 से T2 में कितना चेंज आया, डेल्टा टी का, राइट। और प्रोडक्ट पहले जो था इतना था और लास्ट में बाद में कितना हो गया, यहां तक हो गया। तो इसके बीच में जो चेंज आया वो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा पी हो गया, डेल्टा टी हो गया। तो इस हिसाब से रेट हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी यानी कि P2 - P1 / T2 - T1, ठीक है। और ये जो टी टाइम है, टी टाइम पे मान लीजिए कोई चीज अपने पास यहाँ पड़ी थी, तो यहाँ पे ये जो है क्या दिखाएगा, आर जो है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे क्या है, स्लोप सी बन रही है कि नहीं, ये देखिए ये स्लोप सी बन रही है ना, तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे एक स्लोप बन रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्लोप सी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो स्लोप है हमें क्या बताती है, रेट बताती है किसी रिएक्शन का, ठीक है, ये भी चीज याद रखना। स्लोप जो है हमें क्या बता रही है, रेट बता रही है किसी रिएक्शन का, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव इंस्टेंटेनियस रेट, तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या कहती है, देखिए रेट एट ए गिवन टाइम, ठीक है, मतलब किसी गिवन टाइम में, मान लीजिए कहते हैं कि 5 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच में किसी रिएक्शन का रेट कितना होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, मतलब किसी इंस्टेंट में पूछ लिया, किसी टाइम पे पूछ लिया, ठीक है। तो उस टाइम पे बताने के लिए क्या करेंगे, 5 सेकंड से लेकर के 10 सेकंड के बीच में जो रेट है कितना रहेगा, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है जी। तो देखिए रेट इंस्टेंटेनियस क्या होगा, डेल्टा टी जो है 0 तक जाएगा, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी यानी कि डीसी अपॉन डीटी भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्लोप होती है, स्लोप जो है कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ की, वो भी इससे शो हो रही है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी से। तो जरा इसको ग्राफ को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ग्राफ देखिए जरा, ये टाइम है इधर, ठीक है, और इधर क्या है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की। तो यहाँ पे देखिए T1 पे जो है हमारी कोई जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे थी, T2 पे जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक में जो चेंज आया वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन में जो चेंज आया वो हो जाएगा डेल्टा सी, और यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम में चेंज आया उसको लिखेंगे डेल्टा टी, ठीक है। अब मान लीजिए किसी टी टाइम पे हमारे पास जो
कंसेंट्रेशन थी वो यहाँ पे थी, ठीक है। तो ये जो स्लोप बनेगी ना इनको इनको पॉइंट्स को यूज करके, ये वाली ये जो स्लोप है, ठीक है, ये हमें क्या बताएगी, ये बताएगी रेट इंस्टेंस माइनस डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और आर जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस आर टू माइनस आर वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। अच्छा ये जो है माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये क्या है रिएक्टेंट साइड का है और रिएक्टेंट क्या होता है हमेशा डिक्रीज होता है, इसलिए हम इसको माइनस में ले रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी है अपने पास रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। देखिए क्वेश्चन जो भी बनेगा ना इसी लैंग्वेज में बनेगा, समझ लेना, जो क्वेश्चन बनेंगे वो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के फॉर्म में ही बनेगा। मतलब ये जो टर्म्स हैं बहुत ज्यादा यूज होने वाली है क्वेश्चन से, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एनओ2 या कुछ भी, ठीक है। तो क्या होता है रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, बेसिकली ना रेट ऑफ अपीयरेंस बोल देते हैं हम लोग प्रोडक्ट, जैसे ये देखिए ये रिएक्शन हो रही है ना, ठीक है, तो बेसिकली हम लोग किसको बोल देते हैं रिएक्टेंट साइड को, हमेशा क्या बोलते हैं डिसअपीयरेंस वाला बोलते हैं, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस डिसअपीयरेंस, ठीक है। और ये प्रोडक्ट साइड को हमेशा बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट साइड हमेशा फॉर्म हो रहा होता है इसलिए इसको अपीयरेंस बोलते हैं। इधर रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीज हो रहा है या कम हो रहा होता है या खत्म हो रहा होता है इसलिए इसको बोलते हैं डिसअपीयरेंस, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद में देखते हैं अपने पास है, हाँ जी, तो देखिए इसको लिखना कैसे है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वही है डिक्रीज इन आर, यानी कि डिक्रीज इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट जो डिक्रीज हो रहा है उसको, तो इसको कैसे लिखते हैं माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, इस तरीके से लिखते हैं। और रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा इंक्रीज इन पी अपॉन टाइम टेकन, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, एक देखिए एग्जाम्पल में है अपने पास, मान लीजिए एच जी जो कि क्या है लिक्विड फॉर्म में है, सी एल टू जो कि गैसेस फॉर्म में, ये बना रहा है एच जी सी एल टू सॉलिड फॉर्म में, राइट। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका हम लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से और रेट ऑफ अपीयरेंस के, ठीक है। यानी कि दिस टर्म विल बी, दिस होल टर्म विल बी इक्वल टू दिस, और ये सारा इक्वल रहेगा आर के, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस, ये तीनों जो होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, अगर लिखना चाहें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखिए माइनस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ये तो हो गया रेट। अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कह रहा है तो डिसअपीयरेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ ये वाली टर्म यूज करेंगे, ये वाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा सी एल टू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, रियली सॉरी डिसअपीयरेंस के लिए कह रहा है, तो डिसअपीयर क्या हो रहा है सी एल टू डिसअपीयर हो रहा है ना, मैंने गलत बोल दिया ना, तो सी एल टू डिसअपीयर हो रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे माइनस डेल्टा सी एल टू अपॉन डेल्टा टी, डिसअपीयर दोनों ही हो रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, एक बार ध्यान से समझना। एच जी जो है वो लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, तो एच जी और सी एल टू दोनों क्या है रिएक्टेंट साइड में, तो रिएक्टेंट साइड वाले हमेशा क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं, इसलिए इसको हम माइनस में ले रहे हैं दोनों को, देखो, ठीक है। तो डेल्टा एच जी अपॉन डेल्टा टी इधर हो जाएगा माइनस डेल्टा सी एल टू अपॉन डेल्टा टी, और इधर ये जो एच जी सी एल टू है ये क्या बन जाएगा डेल्टा एच जी सी एल टू अपॉन डेल्टा टी, इसको हम पॉजिटिव में ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये जो है क्या हो रहा है अपीयरेंस वाला है, ठीक है, अपीयर मतलब फॉर्म हो रहा है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव में ले रहे हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का वो हमेशा इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, या वन से इक्वल, वन के इक्वल नहीं होते हैं। तो जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का, या रेट ऑफ अपीयरेंस होगा किसी रिएक्शन का या प्रोडक्ट का, वो हमेशा क्या होता है उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है। सपोज करिए यहाँ पे मैं लेता हूँ 2HG, तो ये जो 2HG है तो ये HG जो है ना ये यहाँ से 1/2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 3Cl2 है तो ये जो 3 है क्या हो जाएगा यहाँ पे करके ये मतलब डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ऐसे है। अब जैसे यही देख लीजिए, ये रिएक्शन दे रखा है इसने, ठीक है, एक सेकंड, हाँ जी देखिए ये जैसे रिएक्शन दे रखी है डेल्टा स्मॉल ए अपॉन स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, मतलब ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, अब ये देखिए यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है स्मॉल जो ए बी सी डी, ठीक है, तो ये जो है ये क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएंगे सारी, जैसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं तो ये दोनों आएंगे ना, तो डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा माइनस
1/a - 1/b लगेगा, क्योंकि ये जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो डिवाइड हो जाएंगे। इस तरह इधर साइड में भी यही होगा, 1/c (c/d) 1/d (d/t). आई होप इट इज क्लियर। लेट मी चेक इफ एवरीथिंग इज ओके। आई होप सब कुछ क्लियर होगा, आपको दिख रहा है ना सब कुछ? कोई प्रॉब्लम होगी अगर तो आप लोग प्लीज कमेंट में लिख देना, ठीक है? एक मिनट मैं जरा ये चार्जर प्लग कर लूं, नहीं तो फिर अभी हमारा लैब बंद हो जाएगा, राइट? हाँ जी, तो देखिए आगे देखते हैं। हाँ जी देखिए, अभी एक और एग्जांपल लिए, 2 times HI इज फॉर्मिंग H2 और I2। तो इस केस में क्या होगा, जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ठीक है, HI का, वो क्या हो जाएगा? अब जब देखिए स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब ऐसा कुछ हो, ठीक है, इस केस में ये हो जाएगा 2 times rate of disappearance। जब 2 times इधर हो ना डिसअपीयरेंस में, मतलब कोई जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डबल हो, तो इसको क्या करेंगे, 2 times कर देंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 और I2 का। ये जो है ये 2 times हो जाएगा। कैसे, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर होगी, H2I2। तो ये क्या हो जाएगी, जो डिसअपीयरेंस है, ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना क्या हमने, हाफ कर देना है, ठीक है, हाफ ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। जो डिसअपीयरेंस का जो भी आएगा ना, इसका जो भी अपने को रेट आएगा, हमने क्या करना है, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा ना, रेट ऑफ अपीयरेंस जो होगा H2 और I2 का, ये जो होगा वो क्या होगा, इसका आधा होगा, HI का आधा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि (ΔH2) अगर हम निकालना चाहें तो (ΔH2)/(Δt) जो है इक्वल होगा (ΔI2)/(Δt), तो ये किसके बराबर होगा, ये हमेशा बराबर होगा -1/(ΔHI)/(Δt), जो हम लोगों ने ऊपर सीखा वही है। उसके बाद एक और रिएक्शन ले रखी इन्होंने एग्जांपल के लिए, देखिए 5 था ना, तो ये देखिए 1/5 करके हो गया, ये 1/6 करके हो गया, मतलब कॉफिशियंट जो होगा ना स्टोकोमेट्रिक कॉफिशियंट, उसको हमने डिवाइड कर देना, बेसिकली ये है और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि फॉर द रिएक्शन दिस, थोड़ा नीचे करते, हाँ जी देखिए, फॉर द रिएक्शन दिस 2N2O5 इज फॉर्मिंग 4 times NO2 + O2, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज दिस, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ दिस। बेटा जी CBSE 2018 का क्वेश्चन है, 2 mark का। पहले रिएक्शन देखिए ये है, तो हमसे क्या पूछा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दी है, यानी कि ये दी हुई है, और हमसे निकालने का है डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, इसको निकालना है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, -1/2 (Δ N2O5)/(Δt), इधर 1/4 (Δ N2)/(Δt), ये हो जाएगा अपने पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब अपने को क्या दिया हुआ है, अब हमने N2O5 तो निकालना है, लेकिन हमें दिया क्या है, NO2 दिया है, राइट? तो NO2 की जगह इसकी वैल्यू भरिए, यह 2.8 × 10⁻³ और 1/2 तो रहेगा, क्योंकि ये किस में है, 1/2 करके है, इसके मतलब कॉफिशेंट जो है 4 1/4 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये 1/2 था, तो ये जो 2 है इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इधर से ये जो 2 है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो इसको कटिंग कर देंगे 2 1 का, और ये हो जाएगा 2 2 का, तो 1/2 (Δ NO2) हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 × 2.8 × 10⁻³, इसको सॉल्व कर लेना, 1.4 × 10⁻³, आपके पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए, जो डिकम्पोजिशन है N2O5 की CCl4 में 318 केल्विन में, वो पाई गई कितनी, हैज स्टडीड बाय, इसको मतलब एक सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन SCCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. If the initially concentration of N2O5 is this mole and after 184 minutes it is reduced to this 2.08 mole per liter. Calculate average rate of this reaction and what is the rate of production of NO2 during this period. तो बेटा जी आपको पता है average rate क्या होता है, बताया था, average rate जो होगा
एक मिनट रुकिए, दोबारा लिखता हूँ। हाँ जी देखिए, तो यहाँ पे एवरेज रेट यानी कि आर, हाँ जी आर एवरेज जो होगा, क्या होगा, इस पेन ही नहीं चल रहा। हाँ जी देखिए, आर एवरेज जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी टू माइनस सी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, राइट, यही होगा ना। तो ये इसको फॉर्म लगाइए, देखिए सी टू आपको, सी टू क्या हो जाएगा अपने पास 2.33, राइट, एन टू ओ फाइव का इतना था, एंड और कंसंट्रेशन जो है N2O5 की वो इतनी थी स्टार्टिंग में, और 184 मिनट्स के बाद ये क्या हो गई, 2.08 होगी, ठीक है। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2, तो यहाँ पे क्या करोगे, 2.08 माइनस 2.33 हो जाएगा, 2.33, ठीक है, ओवर। अब टाइम कितना है जी, ये टाइम दे रहा है T2 माइनस T1, यानी कि 184 मिनट्स के बाद, पहले स्टार्टिंग में क्या था, जीरो था, तो जीरो से 184 यानी कि 184 ही हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज रेट आ जाएगा। उसके बाद है अपने पास क्या, ये रेट देखिए, आगे अपने पास रेट है, रेट निकालने का भी कहा है उसने, राइट। तो रेट कैसे निकालेंगे, देखिए रेट जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखो रिएक्शन को देखो, पहले N2O5 इन CCl4, ठीक है, ये चीज़ है और N2O5 है, ठीक है, ये दो चीज़ें अपने पास। तो रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा RT इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। तो ये वैल्यू अपने पास क्या है, गिवन है ये वाली, अगर ये वैल्यू गिवन है, उसके बाद 1/4 से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास इसको 1/4 से मतलब 4 से डिवाइड करोगे, 1.13 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी हो जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये वाला 4 क्या हो जाएगा, उधर जाके इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू दिस, इसको सॉल्व करोगे ये आ गया, तो ये क्या है अपने पास, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, कितना NO2 प्रोडक्शन प्रोड्यूस हुआ वो आ गया अपने पास, और यही क्वेश्चन में निकालने कहा था। उसके बाद है कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि इफेक्ट करते हैं, राइट। तो ये भी देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली 2010 में 2 नंबर में और CBSE 2015 में 1 मार्क में पूछा हुआ है। तो देखिए कंसंट्रेशन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ कंसंट्रेशन को क्या होगा, ठीक है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का क्या हो रहा है, बढ़ेगा या घटेगा। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी घटेगी, ठीक है, अगर बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। ये कब होगा, कंसंट्रेशन कब होगी, जब लिक्विड और एक्वस मीडियम में हो, अगर गैस है या प्रेशर है, ठीक है, तो उस केस में रेट जो है बढ़ेगा, ठीक है, गैस या प्रेशर केस में बढ़ेगा। उसके बाद है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, अगर डिफरेंट रिएक्टेंट जो हमें चाहिए मतलब किसी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है, तो उनकी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज होंगी, कोई बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल। उसके बाद एक कैटलिस्ट, अगर आप कोई कैटलिस्ट यूज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और मतलब जो आपने कैटलिस्ट डाला वो बिना यूज हुए बिना कंज्यूम हुए जो चेंज है रेट ऑफ रिएक्शन में ऑब्वियस बात है आएगा। आगे है रेट, रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, तीनों एक ही चीज़ है, रेट लॉ, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन, ये दोनों जो हैं डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है, रेट ऑन डिपेंडेंस होता है क्या, कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट होती हैं। तो रेट लॉ जो है एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद ईच अदर, ईच टर्म रेज टू सम पावर। रेट लॉ क्या कहता है कि जो एक्सप्रेशन है, जो रेट लॉ की एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि जो रेट की एक्सप्रेशन है ना, रिएक्शन है रेट की,
उसको क्या किया जाता है, मोलर कंसेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट्स की मोलर कंसेंट्रेशन है उनकी पावर्स के तौर पे बताया जाता है या दिखाया जाता है, ठीक है। तो पावर रेज ऑन कंसेंट्रेशन टर्म्स इन रेट एक्सप्रेशन में और मे नॉट बी सेम एज स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन, हो सकता है कि जो पावर्स हैं वो स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन के बराबर हों या हो सकता है डिफरेंट हो, ठीक है, बैलेंस गेम कैलकुलेशन में। अब मान लीजिए एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, अगर नहीं समझा ध्यान से समझो, मान लीजिए एक जनरल इक्वेशन लेते हैं, स्मॉल ए और कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी और कैपिटल बी, ये बना रहा है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस डी स्मॉल डी कैपिटल ई। अब यहाँ पे ए बी सी डी ये सब क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो रेट इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है रेट इक्वेशन, यहाँ पे क्या होगी, रेट जो होगा ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस ए बी की पावर्स के ऊपर, ठीक है। तो इस ए रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर एक्स और बी की पावर समथिंग, दिस इज कॉल्ड रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे रेट जो है प्रोपोर्शनल का जो साइन है ये चेंज करेगा किसमें, के में, तो के की पावर के क्या हो जाएगा, के इंटू ए की पावर समथिंग यानी कि एक्स बी की पावर वाई। यहाँ पे एक्स और वाई जो है वो हो सकता है कि स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन के बराबर हो या हो सकता है अलग हो, और यहाँ पे जो के है इसको बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट, क्या बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट। आई होप इट इज क्लियर। देखिए द इक्वेशन विच रिलेट रेट ऑफ रिएक्शन टू कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट इक्वेशन और रेट एक्सप्रेशन। ऐसी इक्वेशन जो रिलेट करे रेट ऑफ रिएक्शन को कंसेंट्रेशन के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन। आगे पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखना वन मार्क में तो बेसिकली 101% पूछा जाएगा। सम ऑफ पावर ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। देखिए मान लीजिए कंसेंट्रेशन अपने पास, ये इसको एग्जांपल लेके समझते हैं, मान लीजिए रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए, मतलब ये जो अपने पास रिएक्शन है, ठीक है। अब इसका रेट लिखेंगे आप, जब इसका रेट लिखेंगे ना ये अपने पास रेट आ जाएगा, ठीक है, रेट इज के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो यहाँ पे जो ऑर्डर अगर आप निकालना चाहें तो ये जो पावर्स है ना इनका जो सम होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इनका जो सम है पावर्स का उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए मैंने कहा ही था, पूछा भी गया है। आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है कैन बी डिटरमाइंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसको सिर्फ एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थ्योरेटिकली। ऑर्डर जो है रिएक्शन का जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे समझते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिए है, रिएक्शन ली है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रेट एक्सप्रेशन ली है और यहाँ पे ऑर्डर लिया है हमने रिएक्शन का। तो देखिए ये रिएक्शन है सी एच सी एल थ्री प्लस सी एल टू इज फॉर्मिंग सी सी एल फोर प्लस एस सी एल। तो रेट क्या लिखेंगे इसका, के इंटू सी एच सी एल थ्री की पावर कितनी हो जाएगी, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट वन है तो वन हो जाएगी, और सी एल टू का क्या है, सी एल टू है, टू है ना, ये देखिए यहाँ पे टू है ना सी एल टू, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है, इसको इसकी पावर जो है हाफ हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, अब इसका हमने निकालना है ऑर्डर निकालना है, तो इसका वन था इसका हाफ है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर, वन प्लस हाफ इज 1.5 या फिर 3/2। उसके बाद ये वाली रिएक्शन है तो इसमें रेट जो लिखोगे ऐसे लिखोगे, ठीक है, ये रेट हो गया, इसकी पावर वन है इसकी पावर जीरो है, तो इसमें रेट क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो इज वन, ठीक है। अब रेट अगर रेट हमने तो पढ़ लिया, अब हम इसके यूनिट्स की बात करें, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वन मार्क में पूछा जाता है। तो ऊपर से हमने देखा कि रेट जो है क्या है, ये है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ओवर ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ये हो जाएगा, राइट। जैसा कि यहाँ पे लिखा है के क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, तो यूनिट जो हो जाएगा के का क्या हो जाएगा, देखिए रेट किस में होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई क्या है, कंसंट्रेशन की पावर एक्स कंसंट्रेशन की पावर वाई, तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू वन अपॉन कंसंट्रेशन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से देखिए कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कट जाएगा, बचेगा क्या, वन अपॉन नहीं कटेगा बेटा, ये नहीं कट, एक्स प्लस वाई है ना, हाँ जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन की जो वो होती है, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पे कटेगा नहीं ना, ये देखिए ये गलत कर दिया, ये जो कंसंट्रेशन है ये कटेगा नहीं, ठीक है, हाँ जी, देखिए तो कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इनटू कंसंट्रेशन अपॉन वन अपॉन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन किस में होती है जी, मोल पर लीटर में होती है, ठीक है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। अब यहाँ पे वन टू वन रहेगा, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर होता है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई, यानी कि समथिंग होगा एन, मान लेते हैं लेट
एन हो गया। तो एन जो है यहाँ पे क्या है, ऑर्डर होगा रिएक्शन का, दैट इज एक्स प्लस वाई, है ना। तो जीरो ऑर्डर के लिए हम क्या करेंगे, एन इसमें जीरो भर देंगे। जब इसमें जीरो भरोगे तो ये सारा क्या हो जाएगी, टर्म वन हो जाएगी। तो ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड हो जाएगी। मतलब आप इसको याद रख लीजिए, ठीक है, आपके सारे यूनिट आ जाएंगे। इसको अगर आप याद कर लेंगे, ठीक है, तो आपके सारे यूनिट निकल आएंगे बहुत ही इजीली। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल चीज है, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। रेट आपको लिखना आना चाहिए यहाँ से। अगर आप के की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वही आपका क्या है, यूनिट है, ठीक है। इसमें आप देखिए एन की वैल्यू डालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, वन की वैल्यू यहाँ पे वन डालेंगे तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, यानी कि कट जाएगा ये और ये कट जाएगा, बचेगा क्या, सेकंड बचेगा, तो ये देखिए पर सेकंड आ गया। एन की एन टू डालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। रटना नहीं है इसको, बहुत ही ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है। अभी देखिए अपने पास है आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, हमने ऑर्डर निकालना है रिएक्शन का अगर के की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो देखिए अगर देखो यहाँ पे हमारे पास यूनिट दिया है, कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ यूनिट देखना है, यूनिट से हमें पता लग जाएगा कि कौन सी रिएक्शन है, मतलब कौन सा ऑर्डर है। अब देखिए इसमें क्या है, 2.3 × 10⁻⁵ इंटू लीटर पर मोल पर सेकंड, है ना। तो देखिए ये किसका यूनिट होता है, आपको पता है ये सेकंड यूनिट का, सेकंड ऑर्डर का यूनिट है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, सेकंड ऑर्डर, राइट। तो अब पर सेकंड यहाँ पे देखिए, पर सेकंड है यहाँ पे, तो पर सेकंड किसका यूनिट होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का होता है। तो इस तरह से आपने सिंपल देखिए 2 मार्क में पूछा, ओहो इतना इजी सा क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड एग्जाम होते बहुत इजी है। चलिए आगे है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है बस। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, राइट रेट इक्वेशन फॉर दिस बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट डाटा, ये दिया आपको, ठीक है। इसको यूज करके रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो रेट एक्सप्रेशन आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है, आपके स्क्रीन पे है ये क्वेश्चन। इसको यूज करके डाटा, ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को यूज करके क्या करा है, हमने लिखना है रेट इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए। है कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है, लिख लेना आप लोग, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए इस तरीके से लिखना है इसको, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर हो गया अपना वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे। इस रिएक्शन के लिए हमने क्या करना है, टेकन राइट बेटा, एक तो रेट लॉ लिखना है, वही रेट एक्सप्रेशन लिखनी है, दूसरा वैल्यू निकालनी है रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, के की वैल्यू निकालनी है और उसका यूनिट बताना है, और तीसरी चीज़ है इनिशियल रेट क्या होगा डिसअपीयरेंस का और Cl2 का एक्सपेरिमेंट 4 में, इस वाले में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये आप खुद करिएगा, 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिए इसको। सोल्यूशन दे रखा है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, तो देखिए नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेशीज, मैं इसको पढ़ नहीं रहा, मैं सिंपल सी चीज तुम्हें बताता हूँ। ये अपने पास एग्जांपल में एक रिएक्शन है, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है इसमें आप देखेंगे इस रिएक्टेंट वाली साइड में कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पे आपको कितना मॉलिक्यूल दिख रहा है, एक दिख रहा है ना, तो यही इसकी मॉलिक्यूलरिटी है। मतलब रिएक्टेंट वाली साइड में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। यहाँ पे एक है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएगी, यहाँ पे कितने हैं 2 हैं तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी। ये है बस, और कुछ नहीं। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो देखिए द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम आयन या मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन वन स्टेप रिएक्शन में होता है, ठीक है, जो मतलब सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो रही है उसके लिए, इसको एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोलते हैं, विच मस्ट कोलाइड सिमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, ताकि केमिकल रिएक्शन हो जाए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखिए जो मॉलिक्यूलरिटी है दो तरह की होती है, एक होता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एक होती है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जब एक रिएक्टिंग स्पीसीज होगा तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे, जब दो होंगे तो क्या बोलेंगे, बाई मॉलिक्यूलर। एक नोट याद रखिएगा कि जनरली मॉलिक्यूलरिटी जो है वो ग्रेटर दैन 3 से, मतलब 3 से बड़ी मॉलिक्यूलरिटी कभी ऑब्जर्व नहीं की गई है, ठीक है, तो इसलिए साइमल्टेनियस कलिजन जो है वो मोर देन 3 मॉलिक्यूल जो होंगे वो पॉसिबल नहीं होगा। डिफरेंस क्या है ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में, ये भी पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस समझना है हमने, यहाँ पे एक लाइन मार देते हैं। हाँ जी देखिए मॉलिक्यूलरिटी क्या आती है बेटा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग
टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी। ऑर्डर क्या है इसको हम बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स दैट अपीयर इन रेट लॉ, उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, ये इसकी एग्जाम्पल ये है, ठीक है। तो ये थियोरिटिकल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमेशा जो है होल नंबर होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, इस पे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूलरिटी है ना जो, वो हमेशा होल नंबर होता है, ठीक है। और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना तो फ्रैक्शनल हो सकता, लेकिन जो ऑर्डर है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। आगे है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये हमेशा जो है जिस स्टेप से रेट डिटरमाइन होता है उसी में से डिराइव होता है, जबकि ये जो है रेट एक्सप्रेशन से डिराइव होता है, ठीक है। तो ये थे किसमें, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस। आई होप एवरीथिंग गोइंग वेल टिल नाउ, है ना। हाँ जी, सो आगे बढ़ते हैं फिर, अगर सब सही चल रहा है तो। देखिए आगे है अपने पास, लेट अस कंसिडर ए रिएक्शन टू टाइम H2O2 इज, इट इज फॉर्मिंग टू टाइम H2O प्लस ऑक्सीजन। एविडेंसी सजेस्ट दैट दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन टू स्टेप, मतलब सबूत कह रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है दो स्टेप में हो रही है। ये अपने पास ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप स्लो है और दूसरा फास्ट है। तो स्लो स्टेप जो होगा वो क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। ये हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है जिसको स्लो स्टेप बोलते हैं, वो हमेशा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब रेट इक्वेशन जो है रिएक्शन की, उसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बेस पे लिख सकते हैं, दैट इज रेट इज इक्वल टू माइनस डी H2O2 अपॉन dt। इसको क्या लिखो, k टाइम्स H2O2 और i टाइम्स i की पावर समथिंग, जो भी मतलब होगा यहाँ पे। अब ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो 1+1=2, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं रिएक्शन का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रेट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एक एक करके पढ़ेंगे, तीन का निकालेंगे, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकेंड ऑर्डर का। तो देखिए मान लीजिए एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं, ठीक है, आर से पी। तो रेट इसका क्या हो जाएगा, माइनस डी आर अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा इसका अगर रेट लिखें तो क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के टाइम आर की पावर जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि ये क्या हो रहा है, जीरो ऑर्डर है। और के क्या हो जाएगा, के की पावर आ जाएगी कुछ, क्योंकि आर का पावर जब जीरो होगा तो ये तो वैल्यू वन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, जब देखिए फर्स्ट जीरो ऑर्डर में जो के की वैल्यू रेट है वो क्या हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल। अब देखिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन निकालेंगे, देखिए यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए डी आर जो है माइनस के डी टी हो जाएगा, इसी को हम आगे फॉलो कर रहे हैं। ये देखिए माइनस डी आर है ना, अब ये डी टी कहाँ चल जाएगा, इधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा डी आर इक्वल टू माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम करें, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर इज इंटीग्रेट करेंगे, ये बन जाएगा माइनस के डी टी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो के है ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डी टी और प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट दैट इज आई, फोन थोड़ी देर बाद, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आई बन जाएगा, राइट। तो अभी देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, अगर हम यहाँ से ये आर निकालें, ठीक है, तो आर यहाँ बचेगा, माइनस के टी बचेगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि डी टी की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, टी हो जाएगी, तो यहाँ पे टी आ गया, और साथ में क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। अब उसके बाद है टी जीरो होगा जब, ठीक है, तो कंसंट्रेशन जो है रिएक्टन की वो क्या आ जाएगी, आर विल बी इक्वल टू आर नॉट। तो इस इक्वेशन से आर नॉट जो है क्या आ जाएगी, माइनस के इंटू जीरो। के जीरो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टी क्या है, जीरो है, तो टी था यहाँ पे, तो टी की जगह क्या भर दिया, जीरो, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आ गया। यानी कि ये क्या हो गया, के इंटू जीरो करोगे तो साइड टर्म जीरो हो जाएगी, अगर ये साइड टर्म जीरो होगी तो ये आर नॉट क्या बचा, आई के बराबर बचा, राइट। तो यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू, यहाँ से आई की वैल्यू जो है कहाँ भरेंगे, इसमें भरेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए आर नॉट विल बी इक्वल टू देखिए आर क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस के टी और प्लस आर नॉट हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे आर जो है वाई होगा और के टी एम एक्स हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे ग्राफ देखते हैं इसका हम। हाँ ये रहा ग्राफ, देखिए ये ग्राफ है, ये जो है ये हमारे पास के है, दैट इज स्लोप, ये हमारा कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम है। तो स्ट्रेट लाइन जो है ग्राफ की आर और टी की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है आर और टी के बीच में, ठीक है, वो क्या है, स्लोप है।
दैट इज माइनस के. दिस कैन ऑल्सो बी आस्ड. आगे एग्जाम्पल है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की. तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की एग्जाम्पल है एक एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन जो होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. डिकम्पोजिशन जो होता है एन एस थ्री का, ठीक है, हॉट प्लेटिनम सरफेस पे हाई प्रेशर में, वो भी क्या होती है हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है. अब रेट इसका क्या होगा, देखिए अगर इसका हम रेट लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, रेट इज के इंटू एन एच थ्री, ठीक है. अब एक्सप्लेन सॉरी हाई प्रेशर में जो मेटल सरफेस है वो क्या होता है, सैचुरेटेड हो जाता है गैस मॉलिक्यूल से. गैस मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उसके ऊपर सैचुरेट हो जाते हैं. तो जो फर्दर जो चेंज है रिएक्शन में वो तब होता है, मतलब हो नहीं पाता क्योंकि अमोनिया जो है, ठीक है, वो सरफेस पे कैटलिस्ट के तौर पे काम करती है और रेट रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन से. आगे है टू टाइम एच आई एक रिएक्शन लिए, टू टाइम एच आई इज फॉर्मिंग एच टू आई टू इंटीग्रेटेड रेट. उसके बाद ये इक्वेशन भी क्या थी, जीरो ऑर्डर की थी. अभी अपने पास है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मान लीजिए कि कंसीडर करते हैं एक इक्वेशन, तो रेट इसका लिखिए पहले. दो सब में तीनों में क्या करना है, पहले रेट लिखना है. पहले रेट लिखिए माइनस डी आई बाई डी टी इक्वल टू के आर हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट क्या हो जाएगा, इसकी पावर वन हो जाएगी, तो ये तो यही बचेगा. तो यहाँ से अगर डी आर बाई आर हो जाएगा, ठीक है, ये जो आर है इसको क्या करोगे, इधर ले आओगे, और ये जो डी टी है इसको इधर ले आओगे. तो ये डी आर बाई आर इक्वल टू माइनस के डी टी हो जाएगा. अब यहाँ से क्या करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो डी आर बाई आर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा माइनस के डी टी. तो यहाँ पे माइनस के जो है वो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, अंदर बैठा डी टी प्लस आई, आई क्या इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हो गया. अब जब टी जीरो होगा तो आर जो है आर नॉट के बराबर हो जाएगा. अगर इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन वन इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए नेचुरल लॉग आर नॉट विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू जीरो प्लस आई. जीरो क्यों पुट करें, क्योंकि टी क्या है, जीरो है. तो ये क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई. आई क्या है इंटीग्रेशन, सॉरी ये तो ऊपर वाला ना, यहाँ इसके बाद क्या बचेगा, ये देखिए ये साइड टर्म क्या बचेगी, ये तो जीरो हो गई. अब क्या बचेगा, इधर आई बचेगा, इधर बचेगा नेचुरल लॉग आर नॉट, ये दूसरी इक्वेशन होगी. अब वन और टू दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, ठीक है, तो देखिए नेचुरल लॉग आर जो है माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग आर नॉट हो जाएगा. तो यहाँ पे ये वाली चीज जो है अपने पास वाई है, ये वाली जो है एम एक्स है, ये जो है सी है. तो ये वाली चीज एम जो है क्या है, स्लोप है माइनस के. तो ये देखिए ये ग्राफ देखिए, ये क्या है नेचुरल लॉग आर, ये क्या है टी, और ये जो है स्लोप है माइनस के. अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो ये देखिए ये बनेगा क्या, इसको समझिए, ये हो जाएगा 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर हो जाएगा, ठीक है. और इधर क्या बचेगा, ये के टी बचेगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा लॉग आर नॉट बाय आर इज इक्वल टू के अपॉन ये वाला जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा 2.303, ठीक है. तो ये देखिए डिवाइड में लिखा है इक्वल टू टी, तो सेम वही चीज़ बन जाएगी. ये इस केस में क्या बन जाएगा, इस केस में जो ग्राफ है कुछ यूँ हो जाएगा, ये लॉग आर नॉट बाई आर इधर टाइम, इस स्लोप जो है के अपॉन 2.303 हो जाएगी इस केस में. ये याद रखिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या होगा, स्लोप क्या होगी, के अपॉन 2.303. उसको अगर इस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें इस वाली को, तो देखिए लॉग आर नॉट अपॉन आर क्या होता है, लॉग आर माइनस लॉग आर नॉट. कहने का मतलब लॉग ए अपॉन बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, यही होता है ना. तो ये पुट किया हमने, ठीक है, माइनस के टी आ जाएगा. तो नेचुरल लॉग नेचुरल लॉग आर नॉट आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है. तो ये क्या बन जाएगा, आर अपॉन आर नॉट ई की पावर माइनस के टी, ठीक है, क्योंकि इसका एंटी लॉग इधर आ जाएगा. तो ये आर इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी. अब ये जो ग्राफ है आर और टाइप का हमने अभी ऊपर दिखा है, तो के की वैल्यू जो हो जाएगी वन अपॉन टी नेचुरल लॉग आर नॉट अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है. ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ये कहाँ आ गए हम, बहुत पीछे आ गए हम. आगे बढ़ना पड़ेगा. नाइन्थ कौन सी स्लाइड थी, यही वाली थी ना एंड. हाँ अभी नहीं, फर्स्ट ऑर्डर कर लिया था हमने, सेकंड पढ़ना था. पर इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करते हैं. अभी देखिए तो ये अपने पास मान लीजिए टी टू पे आर वन है और टी वन पे आर वन है रिएक्शन और टी टू पे आर टू है. तो इस रिएक्शन के हिसाब से नेचुरल लॉग आर वन इज इक्वल टू दिस और इसके हिसाब से दिस. तो ये जो के की वैल्यू बन जाएगी वन अपॉन टी टू माइनस टी वन, यानी कि वन अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा नेचुरल लॉग आर टू अपॉन आर वन अपॉन आर टू. अब इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखिए जो ग्राफ होता है इस केस में कुछ यूँ होता है. ये आर है, यहाँ पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट है, यहाँ पे टाइम है, इस तरह से बनता है, ठीक है. अभी देखिए ऑल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई टेक प्लेस बाय फर्स्ट ऑर्डर
काइनेटिक्स, जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव डिके है अनस्टेबल न्यूक्लियाई का, वो कब होता है जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक काम कर रही होती, तब। जैसे ये एग्जांपल दिया रेडियम का, हीलियम और इसमें बदल रहा, तो हाइड्रोजनेशन होगा जो इथीन का, वो भी इसी फॉर्म का है। अब बेसिकली ये जो है एक रिवीजन लेक्चर है, तो आई थिंक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहिए। रेट कांस्टेंट निकालना है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है तो हमने रेट कांस्टेंट निकालना है, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए के क्या होता है, के की वैल्यू कैसे निकली, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था के लिए। तो इस केस में जो, हाँ ये देखिए, 1/T नेचुरल लॉग R1/R2 ये है, इसको भरेंगे के इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग R1/R2। ये फॉर्मूला लगाइएगा, टी यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। देखिए रिएक्शन दी है, 60 मिनट दिया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/60 हो जाएगा, 1/60 इंटू नेचुरल लॉग, और क्या है, टी दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 आफ्टर 60 मिनट वाज दिस। देखिए R2 है, R1 जो हो जाएगा पहले वाला, 1.24 इंटू 10^-2, 1.24 इंटू, ये बेटा आप खुद कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन पार्ट है बेसिकली। और यहाँ पे 0.20 इंटू 10^ समथिंग, ठीक है, तो ये आप खुद करिएगा, ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर जो है उसमें गैस फेस में रिएक्शन में, उसको पढ़ते हैं जरा। मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास ये, ठीक है, तो P1 जो है इनिशियल प्रेशर है A का, और PT जो है टोटल प्रेशर है टाइम टी पे। तो टी नॉट पे क्या हो जाएगा, जो ये पाई ATM हो जाएगा, दैट इज 0 0, स्टार्टिंग मतलब जीरो रहेगा ना, ये खाली हमारे पास रिएक्टेंट साइड रहेगा, प्रोडक्ट साइड जीरो रहेगा। टाइम टी के बाद कुछ बन जाएगा, तो PI-X करोगे, ये भी X हो जाएगा, ये X हो जाएगा। तो PA, PB, PC क्या है, पार्शियल प्रेशर है ABC के। X जो है क्या है, डिक्रीज होगा प्रेशर, डिक्रीज होगा प्रेशर में टाइम टी के साथ। तो टोटल प्रेशर जो होगा टाइम टी में वो कितना हो जाएगा, PA, PB, PC तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब रेट कांस्टेंट K जो होता है वो क्या होता है, 2.303/T लॉग πi/π2, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर टाइम टी में, सॉरी इसको रहने दीजिए आप, ये फॉर्मूला याद करना सिर्फ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन का दिया हुआ है, कुछ ये है, और हमने क्या निकालना है, देखिए के की वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला यूज करना आपने, ठीक है, तो 2.303 टाइम कितना, 10 सेकंड दिया, 8 सेकंड हो गया। बेटा जी यहाँ पे भी टाइम सेकंड में लेना है, मैंने गलत बोल दिया था, यहाँ पे टाइम सेकंड में लेना आपने, इसमें भी टाइम जो होगा किसमें होगा, ये सेकंड में होगा, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ जी ये फॉर्मूला याद रखना, तो इसमें से ये आपको डाटा में सब कुछ दिया हुआ है, देखिए पहले 0 सेकंड था, फिर 100 सेकंड है, यानी कि 100-0 is 100, ठीक है, और ये स्टार्टिंग में कितना था, 0.4 था, बाद में 0.7 हो गया, तो 0.4 से 0.2 था, ठीक है, SO2Cl2 0.4, हाँ जी ठीक है, 0.4/2 × 0.4-0.7 करेंगे तो 2.303/100, ये कितना हो जाएगा, 2 × log 2, इसको सॉल्व कीजिए, ये आंसर आ गया। हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन इसके बारे में जरा पढ़ते हैं। तो टाइम इन विच द कंसेंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। मान लीजिए ये अपने पास एक वेसल है, ठीक है, या कुछ भी कोई कंटेनर है, इसे मान लीजिए 2 ग्राम अपने पास कोई भी चीज़ है मान लीजिए, ठीक है, और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मतलब थोड़ी देर बाद नहीं, स्टार्टिंग में मान लीजिए अपने पास 2 ग्राम था, जिस टाइम पे, ठीक है, ये 1 ग्राम हो जाएगा, इसको बोलते हैं हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ, इसको बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ, जिस टाइम पे ये आधा हो जाए, कोई भी चीज जो है जिसकी कंसंट्रेशन, हाँ कंसंट्रेशन जो है आधी हो जाए, उसको हम लोग बोल देते हैं हाफ लाइफ ऑफ दैट कंपाउंड या जो भी मतलब है रिएक्शन का, ठीक है, हाफ लाइफ बोल देते हैं उसको। तो फॉर रिएक्शन दिस, टी टाइम पे मान लीजिए टी जीरो पे आर नॉट था, तो टी हाफ पे कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि आर बाय
आर नॉट बाय टू हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो आस्ड इन वन मार्क, ये आना चाहिए. हाफ लाइफ जो है, अब देखिए तीनों के लिए हम पढ़ेंगे, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए. तो जीरो ऑर्डर के लिए देखिए रेस्ट रेट कॉन्स्टेंट जो हो जाएगा वो आर नॉट माइनस आर बाय टी हो जाएगा. याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. तो टी टी जो है टी हाफ जब हो जाएगा तो देखिए रेट कॉन्स्टेंट होता क्या है जीरो ऑर्डर में, ये होता है ना. तो हाफ लाइफ के लिए क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट बाय टू, आधा कर देंगे. तो के क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर नॉट बाय टू अपॉन टी हाफ. तो यहाँ से अगर के निकालेंगे तो आर नॉट बाय टू टाइम टी हाफ. तो बेसिकली ये हो क्या जाएगा, टी हाफ अगर यहाँ से निकालोगे तो ये हो जाएगा आर नॉट बाय टू के. बिल्कुल सिंपल सा है, न्यूमेरिकल बनता है इस पर. इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको रट लो, अभी सब कमेंट में लिख दो आर नॉट बाय टू के. अब यहाँ हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होता है, देखिए रेट कॉन्स्टेंट जो होता है ये होता है अपने पास, हमने पढ़ा अभी ऊपर. तो यहाँ से के की वैल्यू क्या हुई, ये हुई. अब यहाँ पे आर जो है क्या आधा हो रहा है, तो आर नॉट बाय टू हो जाएगा. ठीक है, तो अब ये टू ऊपर चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय टी हाफ. अब ये इसको ऊपर ले जाओगे तो आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टू, तो ये बन जाएगा लॉग टू. लॉग टू की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय टी हाफ. तो टी हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री बाय के. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वन मार्क में भी पूछ सकते हैं. सिंपल सा है, 0.693 बाय के. इसको भी लिख डालो अभी से कमेंट, अभी कमेंट में लिख दो फटाफट. आगे हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की वो डिपेंड करती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट की. हाफ लाइफ जो है जबकि जो टी हाफ है ना वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, इनिशियल कंसंट्रेशन पे. ठीक है, ये किस केस में होगा, फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ है इंडिपेंडेंट होता है, जीरो ऑर्डर पे क्या होता है डिपेंड होता है इनिशियल कंसंट्रेशन. टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट, टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई की. अभी जरा ये समझते हैं, ये देखिए अपने पास एक रिएक्शन है. तो रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ है ये, रेट वर्सेज रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का ग्राफ है. तो इधर देखिए अपने पास क्या है, रिएक्ट कंसंट्रेशन है, इधर टाइम है. तो देखिए जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, मान लीजिए अपने पास एन जब जीरो होगा, ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है. और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, कुछ यूँ होगा जब एन वन होगा, ठीक है, जब एन की वैल्यू वन होगी तो यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट. और जब जीरो होगा तो ऐसे होगा. अब यहाँ पे रेट वर्सेस रिएक्शन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है किसका, ये दूसरे वाले का. ये कंसंट्रेशन है, ये क्या है, रेट है मीटर पर सेकेंड में, ठीक है. तो जीरो ऑर्डर के लिए कॉन्स्टेंट होती है ये, ठीक है. आर रेट जो होता है के ए की पावर जीरो हो जाती है, जबकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ यू ऐसी ग्राफ होती है, ठीक है, ऐसे लाइंस होती है, स्ट्रेट लाइन सी. आगे ऑर्डर जीरो होगा जब, तो क्या होगा, रिएक्शन टाइप ऐसी होगी, डिफरेंशियल रेट लो ये होगा, इंटीग्रेट रेट लो ये होगा. मतलब सब कुछ आपको एक साथ में यहाँ पे दे दिया, समराइज करा के. समराइज कह लो या और क्या कहोगे, समराइज कह सकते हैं, या मतलब सब कुछ एक पेज पे आपको दे दिया, जो भी अभी ऊपर पढ़ा ना, सब सारे फॉर्मूले एक जगह पे दे दिए हमने. अब देखिए कंसंट्रेशन और टाइम का जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, देखिए इस केस में जो लाइन होती है ऐसी होती है, ठीक है, सीधी लाइन है. मान लीजिए हाफ लाइफ जब डिक्रीज हो जाती है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, इस चीज को याद रखना. यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ लाइफ यहाँ पे आ रही है, मतलब आधा जब होगा, ठीक है, दूसरी हाफ लाइफ कब आएगी, जब यहाँ से लेकर के यहाँ का आधा होगा, तो यहाँ पे आ गया. अब यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में हाफ लाइफ कब आएगा, जब इन दोनों का आधा होगा, यानी कि यहाँ पे, ठीक है. तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है जीरो ऑर्डर के लिए, और ये है किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. ये कुछ इसमें, इस केस में कुछ ऐसे बन रहा, बन रही होती है लाइन ऐसे. आगे क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो पाया गया कितना, रेट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कॉन्स्टेंट है वो इतना था, हमने हाफ लाइफ पता करनी है. तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए बिल्कुल सिंपल सा मैंने बताया था फॉर्मूला, 0.693 बाय के. अब यहाँ पे के की वैल्यू आपको गिवन है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ गया. सीबीएसई 2013 का क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑर्डर टेक प्लेस कर रहा है 30 मिनट में, ठीक है, 50% कंप्लीट हो जा रहा है. और कैलकुलेट करना है टाइम कितना चाहिए 90% कंप्लीशन के लिए, लॉग टू की वैल्यू दी है, ठीक है. तो देखिए 50% कंप्लीशन एंड टी हाफ जो है 30 मिनट है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो 30 मिनट लग रहा था, यानी कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693 बाय टी हाफ हो जाएगा. के हम लोग निकालते थे ना ऐसे करके, टी हाफ निकालते थे 0.693 बाय के, तो के की वैल्यू ऐसे निकल आएगी, ये लीजिए के आ गया. अभी क्या है, सेम रिएक्शन को 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये कह रहा है. तो के की वैल्यू पता है, आर नॉट मान लीजिए 100 है, मतलब इनिशियल कितनी रहेगी 100 रहेगी, बाद में खत्म कितनी करनी है 90 खत्म करनी है, तो बचेगी कितनी 10, ठीक है, बाद में कितनी बचेगी आर बचेगी, पहले कितनी है आर नॉट है.
तो देखिए टी क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला मैंने कहा था ना, रट लो इसको, ये वाला फॉर्मूला कहा था रट लो, देखो आ गया ना एग्जाम में बोला था। तो टी है 2.303 बाई के लॉग आर नॉट अपॉन आर, इसकी वैल्यू भरो 100.13 मिनट आ जाएगा। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है ना, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपको हो जाएंगे ये, ठीक है, से होंगे समझे। बहुत टाइम आपने इन्वेस्ट भी किया होगा पहले, आई होप सो, तो इसलिए सब प्रैक्टिस से ही आते हैं, राइट, प्रैक्टिस कीजिए इनकी, अभी बहुत टाइम है, कर सकते हो, और जिसे नहीं करना उसके लिए कोई टाइम नहीं है। उसके बाद अपने पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो जी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है वो पढ़ते हैं जरा। हाँ जी, देखिए सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहती है केमिकल, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस जो है रिएक्ट करें वो ज्यादा अमाउंट में एक एक जो मतलब जैसे मान लीजिए ए और बी, ये यही देखिए यहाँ ए और बी ये दो सब्सटेंस जो है रिएक्ट कर रहे हैं, इसे मान लीजिए बी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, ये बी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, समझ गए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ठीक है, तो इसमें देखिए एक चीज जो है बहुत एक्सेस में है तो इसलिए ये कौन सी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कि जैसे H2O जो है 10 मोल है, ये जो है 0.01 मोल है, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है ना, तो इसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए ये जैसे एक है H2O जो है T0 पे 0 था, H2O नियरली अबाउट इक्वल है जब T टाइम हुआ, मतलब क्या है खत्म नहीं हो सकता, वो रिएक्शन होगी, ठीक है। अब इतनी एक्सेस में है, देखिए यहाँ पे देखिए ये वाली चीज इतनी कम है, ये 4-5 मिनट के लिए मान लीजिए या 10-20 सेकंड के लिए रिएक्शन होगी तो ये खत्म हो जाएगा, लेकिन जो वाटर है वो 10 मोल है, वो खत्म नहीं हुआ इतनी जल्दी, है ना। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एक चीज जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में हो, खत्म ना हो, उसको बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन होगा देखिए ये, ठीक है, इसका तो यहाँ पे H2O जो है क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ये जो है K हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी इसके लिए, ये हो जाएगी, और यहाँ पे ये क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ की पावर क्या होगी 1, तो इसलिए क्या इंडिकेटर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हाइड्रोलिसिस जो होता है केन शुगर का, वो भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, इसका रेट ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन एक हाइड्रोलिसिस करना है हमने मिथाइल एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन में, तो फॉलोइंग रिजल्ट हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, कंसंट्रेशन जो है वाटर का वो कांस्टेंट रहता है, और क्या शो कर रहा है कि ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रही है, और ये हमें डाटा दिया हुआ है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता करना है 10 से 20 सेकंड के बीच का, तो इस केस में क्या करेंगे, H2O जो है कांस्टेंट है ना, तो रेट क्या होगा K into मिथाइल एसीटेट। अब रिएक्शन अपने पास ये है ना, तो ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपको दिख रही होगी, तो K की वैल्यू क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये होती है, इसकी वैल्यू आपको ऊपर टेबल में दी है, T1 पे 10 सेकंड, T1 10 सेकंड है, तो 10 सेकंड पे इसको T 10 सेकंड भर देंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद है T2 क्या है 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड पे इसको सॉल्व कर लीजिए, बस यही तो पूछा था, हो गया। तो रेट कांस्टेंट जो है रिएक्शन कांस्टेंट वैल्यू जो है किसी भी टाइम पे जो दिया गया है, ठीक है, वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगी काइनेटिक्स की, और एवरेज रेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे एवरेज रेट भी पूछा था, तो एवरेज रेट देखिए आपने दोनों का क्या निकाल लिया, रेट निकाल लिया, राइट, ये क्या हो गया, हाँ देखो रेट आपने दोनों का निकाल लिया। अरे भाई 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 बहुत आगे आ गए, हाँ यहाँ देखो आपने क्या किया, रेट निकाल लिया दोनों का, है ना, गड़बड़ हो गई रे बाबा, एक सेकंड यहां से कर लेते हैं, वहां नहीं होगा तो ये लीजिए, कहां तक हो गया था, हाँ जी एवरेज रेट की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे देखिए तो आपके पास क्या क्या है, एक हमने दोनों का रेट निकाल लिया, एक का ये है एक का ये है, ठीक है, पहले ये था बाद में, हाँ ठीक है ये आ गया अपने पास, राइट। अभी हमने क्या करना है, अब हमने निकालना था एवरेज रेट, तो एवरेज रेट के लिए क्या होगा 0.025 जो ऊपर से निकाला और 0.05 दोनों को माइनस करेंगे, टाइम क्या था 20 से 10 सेकंड के बीच का था, तो 20 से 10 माइनस कीजिए 0.025 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं बेटा जी, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं थोड़ी। देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो रेट कांस्टेंट है, यानी कि इतनी दिया, इतना दिया है, ठीक है, कितनी देर में जो है 15% इस सैंपल का H2O2 का डिकम्पोज हो जाएगा वो निकालना है,
तो इस केस में आपको के की वैल्यू दिखी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला आपको पता है ये वाला है। यहाँ पे वैल्यू डालेंगे आप लोग तो 100/85 हो जाएगा, यानी कि ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लगा लीजिए लॉग ए माइनस लॉग बी, ये वाला लगाइए तो 100-85 कितना हो जाएगा, लॉग 15 हो जाएगा। लॉग 15 की वैल्यू डालिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए जी आगे है अपने पास बी पार्ट, इसी में पूछा था हाउ लॉन्ग टाइम विल टेक फॉर 85% ऑफ सैंपल टू डिकम्पोज, 85 डिकम्पोज होने के लिए कितना टाइम लेगा। तो अभी देखिए स्टार्टिंग में मान लीजिए कितना 100 मोल पर लीटर है H2O2 जो है, अब 85 के लिए कर रहा है तो 100 में से 85 माइनस करो 15 मोल बचेगा, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला ये है, ठीक है, क्या हो जाता है, ठीक है। तो 2.303/k है, ठीक है, इधर ये है H2O2। तो देखिए इनिशियली H2O2 जो है कितना था, उसकी कंसेंट्रेशन इनिशियल में 100 थी, बाद में कितनी होगी H2O2 15 होगी, बाद में बची जो, इसको करोगे तो 100-15 आ जाएगा, यानी log 6.667 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन से इसको करिए जरा कैलकुलेट, आंसर आपके हाथ में। आगे अगला क्वेश्चन है अपने पास, द रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, ठीक है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर इनिशियल कंसेंट्रेशन टू फॉल 0.110 मोलर टू 0.075 मोलर। तो सही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने पास होता क्या है, रेट रेट कॉन्स्टेंट ये होता है R0-R/T, राइट। तो R0 जो है 0.10 है, R जो है 0.075 है, K की वैल्यू भी गिवन है, निकाल ली हमने, ठीक है जी। ये क्या हो रहा है, हाँ देखो R0/R/टाइम कितना था अपने पास, टाइम देर हाउ फार हमने टी निकालना है, राइट, है ना, टी निकालना है, तो यहाँ पे के आ जाएगा, तो के की वैल्यू गिवन है 0.10-0.075 अपॉन के कितना है 0.030, तो टी कितना आ जाएगा 8.33 सेकेंड। अब ये क्वेश्चन जो है आप लोग करेंगे, ठीक है बेटा, ये जो है ना इस पे क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर पे क्वेश्चन बनते हैं, ये वाले जो फर्स्ट मतलब रेट कॉन्स्टेंट के ना बनते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, ठीक है, रिएक्शन दी है और हमने दिखाना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है कि नहीं, और हाफ लाइफ निकालनी है, ठीक है। तो हाफ लाइफ वाला थोड़ा मैं बता देता हूँ, हाफ लाइफ क्या होता है जी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693/k, राइट। तो टी जो है यहाँ पे क्या है 600 है, एंड टू की वैल्यू दी है, तो के क्या हो जाएगा 2.303/600, आंसर ये आ जाएगा। अब रेट कॉन्स्टेंट क्या है, दोनों में सेम है, तो हम कह सकते हैं कि क्या कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहा है। अच्छा, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या निकाला है, रेट कॉन्स्टेंट निकाला है, हमने क्या निकालना था, टी हाफ निकालना था, तो टी हाफ यहाँ देखिए 0.693/k, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.693/k की वैल्यू ऊपर से निकाली थी, ये लीजिए 300 सेकंड आ जाएगा। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये लीजिए देख लीजिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है ये है, ठीक है, और डाटा जो है आपको नीचे दिया हुआ है, ये लीजिए आपका डाटा, ये आप करके दिखाएंगे। दूसरा पार्ट भी इसका, वो भी देख लीजिए, इनिशियल रेट भी निकालना है रिएक्शन का। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये जी आपका चैप्टर हो गया फिनिश। अभी यहाँ पे आपको कहेंगे टाटा बाय बाय, दैट इज थैंक्स, ये लीजिए एक लवली सा थैंक्स हमारी तरफ से, और जब तक धूम मचा करके पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, और एग्ज़ाम जो है फोड़ना है आज आपने, इसके बाद जो है ना क्या करना है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है, ये जो नोट्स है ना आपकी स्क्रीन पे, आप इसको अच्छे से बनाइए और इसको आपने रिवाइज करना है। अगर रिवाइज कर लेते हो न्यूमेरिकल सॉल्व करो, इनफ है ये, जो मतलब आपको अभी मैंने लेक्चर में बताया ना, अगर इतना कर लेते हो इस चैप्टर के लिए इनफ है, 7 मार्क्स पक्के हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठंड बहुत है, स्टिल आई एम टीचिंग यू, ठीक है, बहुत ठंड है, हाथ काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब सिस्टम आई थिंक सही है, धीरे धीरे हम मॉडिफाई कर रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन में आ रहे हैं। देखो आज आपको ये फ़ोन से और लैब की हेल्प से पढ़ा रहा था मैं, तो अब धीरे धीरे हम अच्छा ही करेंगे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कभी कभी पेन नहीं चलने लगता है कुछ भी, जैसे अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है ना, देखिए बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो चल ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं ना इनके सभी लेसन के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं और MCQs जो हैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सो जब तक के लिए बने रहिए, अपना काम करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेयर इज अवर सिस्टम।